देश में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले से शहीद हुए जवानों को लेकर भाजपा सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं, साथ ही उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके परिवार वाले और उनको घर वाले को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री अलग अलग स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके सार्थक परिणाम अब आने लग गए हैं। वहीं देश में महागठबंधन को लेकर सांसद बहेड़िया ने चुप्पी साधी है, वहीं खुद के वापस चुनाव लड़ने को लेकर सुभाष बहेड़िया ने कहा है कि अगर पार्टी मेरे को जिम्मेदारी देगी तो मैं निश्चित रूप से भीलवाड़ा से भाजपा के सांसद के रूप में वापस चुनाव मैदान में उतरूंगा। देश में वर्तमान दौर में आतंकवादी घटना बढ़ती जा रही है, पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद चार और शहीद हो गए सर, तो उसके लिए सर सरकार ये जो है जितने भी शहीद हुए हैं उनको मेरी तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि और उनको ये विश्वास, उनके परिवार वालों को, उनके गांव वालों को विश्वास, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग स्तर पे उसके सार्थक परिणाम हमें जरूर मिलेंगे और हमें इस बारे में हमारे नेतृत्व में पूरा विश्वास है। सर क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 रखनी चाहिए? वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो नेतृत्व का निर्णय है, जो भी है हमको नेतृत्व में विश्वास है। इसमें वर्तमान में महागठबंधन बन रहा है सर, ये ऊपर के लेवल के होता नहीं विचार है सर। सर अब आने वाला लोकसभा चुनाव है सर, आप वापिस दावेदारी? पार्टी अगर देगी तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो भीलवाड़ा से प्रयासरत? नहीं, प्रयास नहीं, पार्टी देगी तो लड़ूंगा। अच्छा।